माइनक्राफ्ट के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बनाया था ये चीज, जो कि ऑफ कोर्स मैंने वीडियो में नहीं दिखाई थी। उससे पिछले के पिछले एपिसोड हमने ये बनाया था एक्सपी फार्म, जो कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी लेकिन वो डिलीट हो गई थी। उसके अगले एपिसोड में मैंने बनाया था ये फार्म, जिसकी वीडियो भी डिलीट हो गई थी। डेफिनेटली इसके अंदर मेरी कोई गलती नहीं है, इन तीनों की तीनों वीडियो डिलीट हो चुकी है, बस मैंने सोच लिया। तो यह आज की इस वीडियो में मेरे को अपने डॉग के लिए बनाना है एक फार्म, एज अ नॉट अ फार्म बट उनके लिए घर बनाना है। मैं तुम लोगों ने पिछले एपिसोड में देख लिया था मेरे डॉग की मौत हो गई थी, तो मेरे को उसके लिए बहुत ज्यादा वूल चाहिए होगी, दैट मीन मेरे को बहुत ज्यादा शीप चाहिए। अगर मेरे को शीप चाहिए तो फिर मेरे को बहुत ज्यादा फार्मिंग भी करनी पड़ेगी। तो फार्मिंग करने के लिए मेरे पास बहुत सारे आइडियाज है। फार्मिंग में बहुत ज्यादा डर्ट चाहिए एंड आई थिंक सो कि मेरे पास डर्ट पड़ी होगी, उसके बाद 63 डर्ट्स है, क्योंकि डेफिनेट कम पड़ने वाली है। कुछ ना कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा। मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है, मैं यहाँ जाके एक प्लेटफॉर्म टाइप बना सकता हूँ। अभी मेरे पास टॉर्चेस की बहुत ज्यादा कमी है, तो फिर मुझे कैसे भी करके टॉर्चेस इकट्ठा करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने अपने लिए प्लेटफॉर्म तो बना लिया, बाकी अभी मेरे को और भी ज्यादा डर्ट की जरूरत होने वाली है। यहाँ पर मेरे पास कुछ डर्ट है, मैं इनको यूज कर सकता हूँ अपने लिए, ऐसे डर्ट काफी रहने वाली है। अभी मेरे को नीचे से इसको कवर करना पड़ेगा, दैट मीन मुझे वाटर बकेट चाहिए होगी एंड आई थिंक सो कि हमारा फार्म बहुत अच्छी तरह काम कर रहा होगा। यहाँ पर कुछ स्लैब है, मैं इसे यूज कर सकता हूँ। पहले तो मैं सोने जाने वाला हूँ, बिकॉज नींद को भी बकेट चाहिए और मुझे बकेट नहीं मिल रही है। को नहीं पता मैं उस बकेट को कहाँ रख के पी चुका हूँ। मेरे को ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, तो मैं आइस ब्लॉक यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर पड़े हैं मेरे आइस ब्लॉक, यहाँ से मुझे सिर्फ एक की जरूरत पड़ने वाली है। क्रीपर ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, मैं क्या करूं। तो मैं आइस को यूज कर सकता हूं, तो मैं इसको यहां पर लगाने वाला हूं। फाइनली कन्वर्ट हो चुका है वाटर में, अभी मैं इसको बहुत अच्छी तरह यूज कर सकता हूं। मैं सबसे पहले ऐसे नीचे जाना है, खत्म। अभी मुझे लगा कि मैं खत्म हूँ, अभी मेरे को इसको यहाँ पर लगा देना है। ये हो चुका हमारा कम्प्लीट। अभी मेरे को यहाँ से और पानी देना है, बाकी यहाँ पर भी मैं आइस लगा दूंगा, कट की बात नहीं है। तो यहाँ पर ही पानी गिर चुका है, दोनों तरफ से पानी डल चुका है। मुझे इसके ऊपर बस फार्मिंग करनी है। फार्मिंग करने में सबसे पहले बनानी पड़ेगी एक हो, ये मैंने बना ली अपने लिए स्टोन की हो, और मैं इस पर कैरेट उगाने वाला हूँ। ट्वीट व्हाट, मैं कैरेट क्यों उगाऊंगा भाई, तो कुछ है नहीं, तो मैं अभी कैरेट ही उगाने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं है, वो सीड्स चाहिए। अभी तो मुझे कैरेट उगानी पड़ेगी, बट वेट, नहीं, हम कैरेट क्यों उगाएंगे, हमारे अंदर टैलेंट बहुत है। यहाँ पर जाके मुझे लेनी है बहुत सारी बोन, मुझे बनानी इससे बोन मील। एक स्टैक बोन से मेरी बन चुकी है 3 स्टैक बोन मील। मुझे यहाँ पे मारना पड़ेगा, ये मैंने मार दिया और यहाँ से मुझे मिलेंगे सीड्स। फाइनली जाके मुझे मिल चुका है एक सीड और मुझे रैबिट का फूड भी मिला है। अब मेरा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ आने के बाद मुझे पहले यहाँ पे करना है क्या, ध्यान लगाना है और बस इसको उगा देना है। सबसे पहले सोने चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास हो चुका है 22 सीड, जो कि बहुत ज्यादा है। 38 सीड्स हो चुके हैं, यहाँ पे मेरा काम हो चुका है एंड अभी मैं उगाने वाला कुछ कैरेट्स, बिकॉज उसकी जरूरत पड़ेगी। एंड थिंग्स से मेरे को उसकी जरूरत पड़ने वाला, तो मैं नहीं उगाने वाला अभी। सबसे पहले मेरे को उसकी ब्रीडिंग करानी पड़ेगी। शीप मुझसे नाराज है, इसलिए आना नहीं चाह रही है, अंदर ही रहो और मुझे शीप अच्छी तरह वूल देते रहना। मेरे पास शेयर भी है, मैं इनको बहुत अच्छी तरह यूज कर सकता हूँ। मुझे एक ब्लैक वूल की भी जरूरत पड़ने वाली है। अभी बस मुझे इसको ऊपर से कवर करना है, ऊपर से कवर नहीं करना, अभी और बनाने में। अभी तक तो उन लोगों ने खा लिया होगा कि मैं अभी और ब्रीडिंग करा देता हूँ। यहाँ पर आ चुके हैं 36 वूल्स और अभी आई डोंट थिंक सो ये भी काफी रहने वाले हैं, बट अभी के लिए काफी है, ज्यादा नहीं, बस इसको दो ब्लॉक ऊपर ले जाना है। मेरे 36 वूल्स लग चुके हैं पूरे के पूरे। आई थिंक सो तुम लोग पहचान गए होगे कि मैं क्या ही बना रहा हूँ, लगता है तुम लोग को पता चल गया होगा। यहाँ पर मेरे पास हो चुके हैं 38 वूल्स। सबसे पहले तो मैं सोने जाने वाला, बिकॉज मैं नूब हूँ। जो चीजें बनाना चाहता वो तो बनी नहीं है, लेकिन यार उसकी जगह कुछ और जरूर बन गया है, जो कि अभी मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ। मैंने सोचा था कि मैं एक डॉग बनाने वाला हूँ, बट यहाँ पे डॉग की जगह मैंने एक इग्लू बना दिया है। कुछ भी करता हूँ यार, मतलब मैं ओके, अंदर से काफी अच्छा लग रहा है, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। तू पहले अंदर घुस जा ना, तुम लोग मुझे कमेंट करके बताएं तुम्हें कैसा लग रहा है। अभी तो वैसे पूरा हुआ नहीं है, यहाँ पर तो बहुत सारे क्रीपर्स हैं। आई थिंक फॉक्स का घर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है, तभी यही आके सो गया था, बाकी मैंने उसकी नींद खराब कर दी। पता क्या मैं ब्लैक डैग कहाँ से लाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी ब्लैक डैग कल देखें, कल कैसे लाऊंगा ब्लैक डैग। तो मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।